विराट कोहली का बल्ला पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। हर किसी टीम के खिलाफ विराट का बल्ला आग उगल रहा है, लेकिन तीन आज आपको ऐसे रिकॉर्ड दिखाने जा रहे हैं जिन रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए विराट कोहली को मुश्किल हो सकती है, जो रिकॉर्ड तोड़ना इतना आसान भी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर तीन, भले ही टीम इंडिया के कप्तान ने शुरुआती समय में टेस्ट क्रिकेट में संघर्ष किया हो, लेकिन अब लाल गेंद के सामने उनका बल्ला जबरदस्त तरीके से रन बटोर रहा है। टेस्ट में उन्होंने 73 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 24 शतक जड़ दिए हैं, वहीं 6 दोहरे शतक भी हैं। लेकिन इसी टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा। वो रिकॉर्ड है 400 रनों की पारी का, जो ब्रायन लारा ने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था, वो भी नाबाद। विराट कोहली का इस रिकॉर्ड तक पहुंचना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। कोहली ने अब तक करियर में एक भी तीरा शतक नहीं जड़ा, इसलिए 400 रन की बात करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नंबर दो, विराट कोहली में बल्लेबाजी की हर क्षमता है, वो हर रिकॉर्ड को तोड़ना जानते हैं। जल्द ही वो सचिन के 100 शतकों का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे, लेकिन रोहित शर्मा का एक रिकॉर्ड विराट के लिए तोड़ना मुश्किल होगा। जी हां, श्रीलंका के खिलाफ रोहित ने 264 रन बनाए थे, ये विश्व रिकॉर्ड है। कोई भी खिलाड़ी अब तक इस रिकॉर्ड के पास नहीं पहुंचा। विराट कोहली के नाम वनडे क्रिकेट में 38 शतक है और 183 रन उनका बेस्ट है। अब तक उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में एक भी दोहरा शतक नहीं लगाया, ऐसे में 264 रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। और नंबर एक, विराट कोहली इस समय 29 साल के हैं, 73 टेस्ट मैच खेल चुके। पूर्व महान भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने करियर में 200 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और विश्व रिकॉर्ड कायम किया। कोहली अगले 8 साल तक और खेलते हैं और हर वर्ष औसतन 10 से 12 टेस्ट खेलते हैं, तो भी वो 200 टेस्ट मैच का आंकड़ा नहीं पार कर सकते। ऐसे में सचिन का 200 टेस्ट का रिकॉर्ड कोहली अपने नाम कैसे करेंगे, ये सवाल लगातार बना है। अगर कोहली ज्यादा खेलते हैं तभी ये रिकॉर्ड टूट पाएगा। आपको ये तीन रिकॉर्ड कैसे लगते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।